मधुबनी में एक युवक को अपराधियों ने मारी गोली। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, इलाके में फैली सनसनी। मामला राजनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मधुबनी शहर से सटे राजनगर थाना क्षेत्र के चकदह बजरंग चौक पर आपसी विवाद में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में जख्मी युवक को इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली मृतक के गर्दन में लगी है। मृतक का नाम जयप्रकाश चौधरी बताया गया है। जयप्रकाश चौधरी चकदह गांव निवासी गणेश चौधरी का पुत्र बताया गया है। मृतक जयप्रकाश चौधरी का उम्र करीब 34 वर्ष था। इधर घटना की सूचना मिलने पर राजनगर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार एवं मधुबनी नगर थानाध्यक्ष राजा कुमार सदलबल घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटना का अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर जानकारी दिया कि सुबह से ही चकदह में तीन भाइयों के बीच आपस में विवाद चल रहा था। उसी में बीच बचाव करने जयप्रकाश चौधरी भी पहुंचा था। जयप्रकाश चौधरी को बाइक से पहुंचे अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। अपराधियों ने चकदह बजरंग चौक के पास स्थित ओवर ब्रिज के नीचे जयप्रकाश चौधरी की हत्या को अंजाम दिया है। घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मधुबनी सदर अस्पताल में घटना की जानकारी मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुझाने के लिए काय झंझट करते हो, नहीं हुआ क्या हुआ नहीं हुआ। फिर बम की घटना घटी, 12-1 बजे हम चल गए थे सोने के लिए। 12 बजे फिर पता चला कि आया था वही लड़का जो लड़का झंझट किया था। फिर आपको 5 बज कुछ मिनट पर तीन लड़का जितेंद्र यादव के दुकान में, जो मेडिकल स्टोर है राजेंद्र यादव के नाम से, उसमें वो झुका है, हम लोग देख रहे हैं झुका है, शीशा फूटा है उसका। आवाज़ आया, हम लोग ध्यान दिए, इधर झका है, उसको कपाट फोड़ा गया है। सब दुकानदार सब दौड़ा बचाने की, वो लड़का हो रहा था सुबह से, उसको तो पता है कि कहीं ना कहीं ये लड़का सब कौन इन्वॉल्व है, उसी को पता होना चाहिए। उसी में हमारा भतीजा भी था, उसी को बचाने के दरमियान में गया था बचाने के लिए, तो गोली मारा। तो आपके भतीजे जय प्रकाश चौधरी, आपके भतीजे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, नहीं था कोई, उसमें कोई हो रहा था इन सबका, नहीं कह सकते कि कोई झगड़ा नहीं था, एक निर्दोष जो है गोली लग जाता है एक निर्दोष। हाँ, वो लोग कौन था जो गोली चलाया? अब वो तो वीरू यादव बोलेगा, संजय यादव बोलेगा, जितेंद्र यादव बोलेगा। दो बेर जो आया तो उसमें आप लोग नहीं पहचाने उन दोनों को? नहीं, हम चेहरा से चेहरा पहचान जाएंगे लेकिन नाम से नहीं। और शाम में, लेकिन शाम में और अज्ञात बाहरी कुछ था। तो गोली मारने के बाद फरार हो गया? हाँ, पूरब की ओर एकदम निकल गया। कई आदमी से आया था झगड़ा करने के लिए? तीन गो तो ऐसे था, लेकिन साइड में था और दो आदमी अज्ञात करके, और साइड में भी लोग सब। हाँ, साइड में मोटरसाइकिल सबसे था, सब उसको पिता थी, रिकवरी कर। झगड़ा का मुख्य कारण क्या, मतलब क्या लगा? तो जितेंद्र यादव और वीरू यादव, संजय यादव बतलाएगा। आपके भतीजा से कोई दुश्मनी नहीं? नहीं, हम लोग आपस में दुकानदार हैं। आपका क्या नाम है? हर्ष नैन का। मतलब किसी पूछताछ से, थाना अभी किसी से पूछताछ कर रही है इस मामले को लेकर के? नहीं, थाना आई है, दो पता लगा है हमको, हम देखे हैं, दो अरेस्ट हुआ है, लेकर गए हैं पूछताछ के लिए। गोली सिर्फ आपके भतीजे को लगी? हाँ, गोली हमें। दुकान आपका कहाँ था प्रॉपर? उसके ठीक चकदह चौक पे है दुकान, है छोटा सा कटघरा में दुकान खोले हम लोग। आइए, ये जो है जिनको गोली मारे हैं उनका घर रहने वाले कहाँ के हुए? चकदह के मूल निवासी। उनकी शादी हो चुकी है? हाँ, शादी। कितने बच्चे उनके? दो लड़की है। दो लड़की है। मारर वार्ड नंबर 1 है ना, मारर वार्ड नंबर 2 में उसका। ये जिन लोग से जो झगड़ा होता है वो लोग कहाँ के रहने वाले मूल निवासी? परिवार के थे तीनों, अब परिवार से तो उन्हीं से अपना रिलेटिव होगा, उन्हीं को जानकारी होगा।